हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने ये पहना है साड़ी, क्योंकि आज दशमी मीन्स सांबो दशमी, सो हैप्पी सांबो दशमी। ये हमारे उड़ीसा का एक फेस्टिवल है, पर्व है, जो यहाँ पे सूर्य नारायण जी का पूजा किया जाता है। और मैं 2 साल से ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चों से मैं कर रही हूँ सुबह के लिए, और बट उसके लिए ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ उसका हेल्थ को लेके, मीन्स उसका जो एलर्जी है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। 2 साल से मैं बता रही हूँ कि इसका स्टोरी क्या है, फिर भी आज मैं कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत शेयर करने के लिए वो स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे न्यूज जोड़ रहे हैं ना अभी, उनको शायद नहीं पता होगा। किस किस को पता है वो बताना, जो हमारे उड़ीसा के हैं उनको पता होगा। और मैं अभी जाऊंगी पूजा का सामान रेडी करने, मीन्स पूजा का जो भोग लगेगा वो चीज ठीक करने। सुबह को उठा के रेडी कर लिया है, मैं तो रेडी हो गई हूँ कब से, बस उसके पीछे लगी थी। अभी आधा घंटा हो गया और थोड़ा बहुत मैं प्रिपरेशन किया है, मैं अभी ना आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी ऐसे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी या कुछ भी नहीं, बट जो जो करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मीन्स क्या क्या बनाया है क्या नहीं। कुछ भी अभी तक नहीं बनाया है, करण जा चुके हैं और मॉर्निंग से मैं उनके पीछे भी लगी थी कि वो खा पी के चले जाए। वो खीर मीन्स जो शिमिया होता है ना वो मैं बना दिया था, वो और चपाती बनाया, तो वो दो खा के गए। सुबह को मैं कल का करी दिया है और चपाती वो अभी खा रहे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, टीवी चालू है उसका, और चलिए देखते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग गुगू। मॉर्निंग वो यहाँ से ब्लॉक दिखता है ना, आप लोग दिखते हैं यहाँ पे वो बैठ के खाता है। काफी मुझे कमेंट आ रहा है कि सुबह ऊपर बैठ के तुम खाता खाते है, उसका चेयर में बैठेगा तो उसका हाथ नहीं आता है। मीन्स सारा खाना ड्रेस में खाता है, मीन्स ड्रेस खा लेता है। ये है बड़ा के लिए बैटर, और ये है डोसा के लिए, और ये है क्या है झोटी के लिए, मीन्स चीता के लिए, रंगोली के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये है क्या है ब्रिंजल लीव्स। ठीक है, हाँ जी, by the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight, chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you, dripping lights paint the skies. Only you can make me move.
the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. इसको सकते हैं, चल रहा है। साइड में मैं खाना भी बना रही हूँ, ये खाना हो जाए टाइम में। और जो बहुत कुछ करना है ये बाकी है, इसको करना है। तो चलो एक एक करके कंप्लीट करती हूँ। मुझे रंगोली भी डालना है ऊपर, और सुबह का क्लास भी चल रहा है ना, मैं बुला रहा हूँ। क्या हुआ? काउंट काउंट्स, पहले काउंट करो। ओके, एक निकल गया है, दूसरा है, हो गया है, बस थोड़ा सा और, उसके बाद इसको करूंगी। और राइस भी और लगभग हो चुका है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना, मसाला जो भुनना है ना वो मैं कर दूँ, तो ऑयल डाल दिया है। चले यहाँ पे मैं टमाटर, जिंजर और कोरिएंडर पेस्ट इसको डाल के मसाला पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा काम अभी भी चल रहा है, सुबह का क्लास खत्म हो चुका है। बस आई थिंक मुझे आधा घंटा लगेगा, क्योंकि करी मुझे मैं ना कभी इंडक्शन में बनाया नहीं, तो मुझे पता नहीं कि वो कितना टाइम लगेगा। बस मेरा यहाँ पे ना काम खत्म होने वाला है, तो मैं गैस को ले आऊंगी कुकर को। और आज मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि मैं सुबह के लिए हर साल जो करती हूँ उनको ना यहाँ पे ले आई। मेरा काम खत्म हो चुका है, और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ सुबह के लिए। तो इस टाइम में बनाऊंगी डोसा, में डोसा बैटर में। About me, it's all about what we do. Making art, you and me. Trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. Stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave. But we sit at home, all alone. Hoping one day I'll never be known. I'm stuck on the bottom trying to feel like I don't matter for day. Okay. चल रहा है पूजा का प्रिपरेशन, और शुभ और मैं हम दोनों हैं, तो दोनों मिलके पूजा कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं धागा निकाल रहा हूँ, जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो ये धागा बांधेंगे अपने गले में या हाथ में। तो हम तीन हैं, तो तीन धागा यहाँ पे निकालूँ। सो मेरा पूजा हुआ कंप्लीट, और सूर्य जी का
ये है कोठी, वहाँ पे सूर्य जी बना है सुनहरा नारायण, और मैं पांच भोग डाला है नीचे पत्ते में, क्योंकि पत्ता मुझे नहीं मिला ना इसलिए, तो ये पांच भोग नीचे हैं। ये है 1 2 3 4 5, ठीक है इतना सा, और सूर्यनारायण जी का एक है और कुंभ का मीन्स गणेश जी का एक है, और पांच यहाँ पे है फ्रूट से, ये जो मकर चौ बोली थी वो है, और ये करी मैं हर साल बनाती हूँ, और गरम गरम जस्ट निकलेगा उसको लाके रखना है। और सुबह का जो मैं बनाया था मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ और सूर्य देव को चढ़ाती हूँ कि उसका हेल्थ अच्छा करे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों नीचे, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पे खिड़की बंद है तो उजाला थोड़ा सा शायद कम है, और मेरा पैर की बैंड बच गया है जो बहुत ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी, मैं बस अभी बैठ गई हूँ थोड़ा सा, और सुबह को खाना दे दिया है, काफी लेट हो गया आज सुबह या आज, और ना मेरा जल गया, पीठा कर रही थी ना तब लग गया, वो तावा है ना वो लग गया, और अभी जलन सा हो रहा है। मैं तभी ठंडा पानी में जस्ट इसको वाश किया था, मुझे ऐसा टाइम नहीं था कि मैं कुछ करूं, बट इतना नहीं है, ठीक है इतना नहीं है, बट हाँ क्या बोलते हाथ और कपड़ा लगता है ना वो थोड़ा सा अंदर से गर्म हीट कर रहा है इस तरह से। और आज का पूजा थोड़ा बहुत ही मैं शेयर किया है, क्योंकि एक तो धूप था जो मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि आप लोगों को मैं कैमरा सेट कर दिया, क्योंकि मुझे पूजा करना था, और सुबह को धूप ज्यादा लग रहा था तो वो पास में ही नहीं आया, वो छांव में खड़ा हुआ, तो ऐसा था जैसे पुष्पांजलि देना था ना उसी टाइम ही मैं उसको बुलाया कि आ जाओ, जो भगवान जी का धूप ना बहुत तेज है, बहुत लग रहा है। आज सूर्य जी का पूजा है, इस पूजा को हम शाम्ब दशमी बोलते हैं हमारे ओडिशा में। ये पूजा हर माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अच्छा सेहत के लिए ही कामना करके ये पूजा किया जाता है, क्योंकि सूर्य जी का जो रोशनी है ना वो अगर शरीर में आता है में गिरता है ना वो आपको आरोग्य करता है, काफी सारे बीमारी से आपको दूर करता है। और शाम्ब दशमी इसलिए कि आज है दशमी, और शाम्ब नारायण जी का जैसे वो ना दोनों मित्र थे ना, हाँ दोनों मित्र थे और दोनों देखने के लिए सेम सेम, तो एक बार नारद मुनि जो है ना वो थोड़ा सा जैसे नटखट है, वो शाम्ब को बोल रहे कि मीन्स नारायण लक्ष्मी जी बुला रहे हैं, वहां पे नारायण नहीं थे और शाम चले गए कि क्यों बुलाए हैं भाभी, तो बस लक्ष्मी जी सोचे कि नारायण आए हैं तो वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना फास्ट में बैठ गए और बातचीत करने लगे, तो तभी कृष्ण जी आ गए थे और वो देख के गुस्सा किए शाम्ब के ऊपर और उनको अभिशाप दे दिए कि आप मेरा रूप का फायदा लिए, ऐसा 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 कुछ हुआ था, और इतना स्टोरी मुझे भी याद नहीं है या मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, उसी टाइम ही उनको अभिशाप दे दिए कि आप जो रूप के लिए आपको इतना गर्वित हो या मेरा जो रूप के लिए ये फायदा उठाया ना इसलिए आपको कोष्ठ हो जाए, तो उनको कोष्ठ हो गया था, काफी वो पीड़ित थे उसमें। उसके बाद जैसे बोलो कि वो अच्छे दोस्त थे ना इसलिए उनको दया आया और वो बोले कि आप अर्क क्षेत्र कोणार्क वहां चले जाओ और वहां सूर्य जी का डायरेक्ट किरण आता है, वहां पे आप तपस्या करो, जब सूर्य जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे आप रोग मुक्त हो जाओगे। वो गए और 12 साल वहां पे तपस्या किए थे और उसके बाद वो ये रोग से मुक्ति मिला था, उसी वजह से ही उसी दिन को दशमी को ही उनको शरीर जो ही अच्छा हुआ था, इसी वजह से हम ये दिन को पूजा करते हैं शाम्ब दशमी नाम से। तो ये था एक स्टोरी जो मुझे अच्छे से नहीं पता, बट हाँ जो भी पता था ना मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है।
और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, दोस्ती हमेशा ना भरोसे के साथ होता है, जहाँ पे भरोसा नहीं वहाँ पे दोस्ती नहीं। तो लाइफ में होता है ये सारी चीज ना, आप खुद ही फेस करते होएगा कि अच्छा दोस्त बहुत कम मिलते हैं और जो धोखा देने वाले ना बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये था आज का स्टोरी, आज का दिन जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ही शेयर किया है, काफी मुश्किल से शेयर किया है यार, क्योंकि मॉर्निंग से आप लोग जैसे बताया कि बहुत सारा खाना है, जैसे मैं हर एक चीज बना के आपको 10 आइटम बनाना है और पूजा करना है, दसवें नाम से है तो 10 आइटम बनता है। और मैं हमेशा सुबह का ऐसे एक स्टैचू बनाती हूँ, जब से उसको वो एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ है ना, इसी वजह से मैं सूर्य जी के पास वो मैं इस टाइम ना सूजी का जो डो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया, तो वो हुआ नहीं, मैं डोसे से ही इस टाइम बनाया है। बस भगवान जी उसका हेल्थ अच्छा कर दे, जल्दी अच्छा करे। डॉक्टर बोले थे 5 साल उसको ये प्रॉब्लम रहेगा, तो वही मैं वेट कर रहा हूँ। और इतना मैं टेंशन इसीलिए नहीं ले रही हूँ कि उसका मेडिसिन तो ऐसे चल रहा है और 5 साल तक वेट करते हैं। एक्चुअल में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करूँगी, कुछ तो करूँगी। और 3 साल हो गया है ये रनिंग अभी 4 ईयर्स है बस, और 2 साल देखते हैं, वेट करते हैं। अगर इसी बीच ही सब कुछ ठीक हो जाते हैं ना, मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं सोचा है। बट हाँ, सो फ्रेंड्स, ये कपड़े को मुझे चेंज करना है और क्योंकि बहुत पसीना हो रही हूँ, मैं फैन अभी बंद करके आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो पसीना से मैं नहा चुकी हूँ, शायद नहा चुकी हूँ, पीछे मेरा पानी आ रहा है। और चलो मैं इसको चेंज करूंगी, थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि आज मेरा पूरा फास्टिंग था। ये था आज का पूजा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये स्टोरी किस किस को पता है मुझे कमेंट करना। और चलिए मैं हम मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब चले बाय, टेक केयर और अच्छे से रहिए। और ये पूजा कौन कौन किए हो, बाहर होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ हमारे उड़ीसा में होता है, ऐसा बोला जाता है ना 12 साल 13 पर्व, ठीक है, हमारा उड़ीसा 12 साल 13 पर्व। मैंने अभी सफाई कर दी खाने करके। क्या सफाई किया? बाटू जब नीचे गया था, ये लोग ये खाना खा के पोछा मार के बर्तन धो के आ गया, नहीं पोछा मारा है बस। हाँ। इतना अच्छा बच्चा मिलता है क्या? पानी में मेरा ब्रश से क्या के पोछा मार दे उसका। इसको ना घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने देखा ना मुझे कैसे वो हेल्प किया, और मेरा स्पेस फुल हो गया है। चलिए हम ये ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर।